गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। करेंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं मार्च फर्स्ट वीक, और आज हम मार्च मंथ का पूरा करेंट अफेयर्स ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब नज़दीक है, तो करेंट अफेयर्स हमें पूरा ख़त्म करना है टाइम से। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बेंगलुरु को मिला है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, याद रखना इसे। ये मार्च में ही इंडेक्स जारी किया था भारत सरकार ने, तो इसमें 10 लाख की अधिक आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष स्थान मिला है वो बेंगलुरु को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई है? तो ये हुई है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दिवसों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी अहम क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने क्रॉन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं क्रॉन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD CEO बने हैं? तो ये बने माटम वेंकट राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद TV का प्रथम CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया रवि कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा TV और राज्यसभा TV का विलय कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संसद TV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव कब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं? तो ये जयदीप भटनागर बनाए गए हैं, जयदीप भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे वेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड्स मिला है? तो ये मिला है नॉमलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला है? तो डॉक्टर सूर्यबाला को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ओके स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वीक का। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जो बनी है 10,000 रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, मिताली राज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं GP सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है 105वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्ष 2020 का VVC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? यानी किसने हाल ही में किसने वर्ष 2020 का VVC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है ये BBC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 के लिए फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड से। ओके गाइज, इसमें है 2021 का FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये FIAF अवार्ड से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो तीरथ सिंह रावत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह का निधन हो गया है? तो ये राजस्थान और गुजरात के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है? तो ये हुआ है कन्नड़ भाषा के कवि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी व उपाध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है नौरीन हसन, नौरीन हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ओके स्टूडेंट, अब मार्च थर्ड वीक का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 139वां, यानी 139वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को, 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शामिया सुलहु हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये जो है तंजानिया, तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है शामिया सुलहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को, प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो तंजानिया, ये तो ये भी तंजानिया के हैं और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी तंजानिया की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए DG महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं कुलदीप सिंह, इनको याद रखें। और कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक बने हैं? तो NSG ब्लैक कैट जिनको बोलते हैं NSG, तो ये बने MA गणपति, MA गणपति बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में ICRIER के नए निदेशक बने हैं? तो ये बने दीपक मिश्रा, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो लोउ ऑन्टेन्स का निधन हो गया है, उन्होंने आविष्कार किया था ऑडियो कैसेट का आविष्कार किया था इन्होंने, जो पहले CD वगैरह में चलती थी कैसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ISL 2021 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मुंबई सिटी एफ सी ने ISL 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के महानिदेशक बने हैं? तो ISA का हेडक्वार्टर इंडिया में, आप बताएं कहाँ पर है? तो ये जो है अजय माथुर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? तो पहली भारतीय तलवारबाज जो ओलंपिक होने वाला है अभी, उसमें खेलने के लिए जाएंगी, तो ये इन्होंने क्वालिफाई किया है, भवानी देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो लक्ष्मण पई का निधन हुआ है, वह थे एक चित्रकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम भारत महिला बनी है? तो प्रथम महिला बनी है ये वियोन्से बनी है, 28 ग्रैमी पुरस्कार जो है इन्होंने अपने नाम किया है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फोर्थ वीक का मार्च का, और ये लास्ट है हमारा। तो आज हमने पूरा मार्च का करंट अफेयर्स अपना जो है वो कवर कर लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन व MD बने हैं? तो ये बने अतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाया गया संजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में UIDAI के नए CEO बने? तो ये बने सौरभ गर्ग UID के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है आशा भोंसले को। 5 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, व्यास सम्मान किसे मिला है? तो शरद पगारे को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो ये जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि टीबी दिवस? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अरिंदम बागची बने हैं विदेश मंत्रालय के न्यू प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इथेनॉल को मंजूरी भारत के पहले राज्य बिहार बना है, इसने बिहार ने दिया इथेनॉल नीति को मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है? तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। किसने दिया था आप बताएं। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कंगना रनौत को। ये काफ़ी फेमस भी रही हैं, अभी हाल ही में सुर्खियों में रही हैं, न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? तो ये की है ग्राम उज्ज्वला योजना, ग्राम उजाला योजना, आप इसकी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ग्राम उजाला योजना के नाम से जो है ये एलईडी बल्ब वितरण करने की योजना केंद्र सरकार ने लॉन्च की है बिहार में। हाल ही में जारी मिलिट्री डायरेक्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक किसे देश की सेना को सबसे ताकतवर माना गया है? तो ये जो है मिलिट्री ने एक रिपोर्ट इश्यू की है, उसके मुताबिक जो देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो है चीन सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को आपका जो है ओजोन डे मनाया जाता है। आप इन तीनों डे को अच्छे से याद कर लें। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा मार्च का पूरा करंट अफेयर्स कवर होता है और हम कल करेंगे अपना अप्रैल का। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें इसको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।